नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रेडिट टीवी और मैं सुनील नारनोलिया, शिक्षा सरोकार सीजन 2 का एक नया अंक लेकर फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम जो बात करने वाले हैं वो समाज के लिहाज से देखी जाए तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे तो समाज के लिए हम जो बातें करते हैं सारी की सारी महत्वपूर्ण है, लेकिन आज वाली जो बात है वो परिवर्तन को लेकर है कि किस तरह से परिवर्तन लाने की बात समाज के अंदर चल रही है। एक वक्त हुआ करता था जब कोई भी काम करना होता था तो कहीं न कहीं लोग समाज में बैठा करते थे, आसपास बैठा कर साथ साथ बैठा करते थे, अपने विचारों को अपने भावनाओं को साझा किया करते थे और फिर ये निष्कर्षों पर उन पे पहुंचा करते थे कि क्या किया जाना चाहिए। आजकल का बदलाव कुछ ऐसा आया है कि लगता है कि समाज की सारी समस्याएं सोशल मीडिया पर बैठकर ही दूर कर ली जाएंगी। सोशल मीडिया ने वैसे तो बहुत उन्नति कर ली, ग्लोबल भी कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं एक सोशली हम लोगों के बीच में बड़ा गैप ला दिया है। आज हम एक कमरों में रहते हैं। पहले मुझे ध्यान आता है एक शेर था कि पहले एक गांव में कई घर हुआ करते थे, अब एक घर में कई गांव होते हैं। हम सब लोग अपने अपने मोबाइल लेकर अपनी एक सोशल मीडिया वाली दुनिया के अंदर खोए रहते हैं। तो ये जो सोशल मीडिया की दुनिया है, जिसने नाम तो सोशल मीडिया रखा है, लेकिन क्या हमें सोशली डिस्कनेक्ट नहीं कर रही है? बस कुछ ऐसा ही आधार है आज के इस कार्यक्रम का। तो उस कार्यक्रम को हम लोग शुरू करें उससे पहले मैं आपका तारुफ करवाना चाहूंगा हमारे उन शिक्षाविदों से जो आज इस विषय के ऊपर अपने विचार रखेंगे और क्या होने वाला है, क्या हो रहा है या क्या होना चाहिए के ऊपर हमें बताएंगे। मैं सबसे पहले जो फादर थॉमस हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। फादर थॉमस सेंट एंसलम्स पिंक सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर के प्रिंसिपल हैं। फादर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं आदरणीय सीमा दीवान जी का अभिनंदन करता हूँ जो कि रेनबो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल हैं। सीमा दीवान मैम, आपका अभिनंदन है। मैं आदरणीय अरुणा सुरेश मैडम हैं, उनका अभिनंदन करता हूँ। अरुणा सुरेश मैडम SR ग्लोबल स्कूल है जो कि पार्ट ऑफ सेंट्रल अकेडमी है। आप लोगों थैंक यू का सो मच। बहुत बहुत अभिनंदन। आप लोग इस कार्यक्रम से जुड़े और जैसा कि मैंने अभी चर्चा की कि आज हम लोग जो विचार करने वाले हैं वो इस मसले पर विचार करने वाले हैं कि क्या हम लोग सोशल मीडिया से कनेक्ट होकर सोशली बहुत ज्यादा दूर तो नहीं जा रहे हैं। तो मैं पहला सवाल लेकर फादर थॉमस की तरफ बढ़ना चाहूंगा। फादर, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, पहले किसी भी समस्या का हमें समाधान लेना होता था तो हम लोग आपस में बैठते थे, परिवार में बैठते थे, समूह में बैठते थे और वहां पर चर्चा करके हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते थे कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं अगर आजादी की लड़ाई की अगर बात करूं, मैं थोड़ा सा पीछे लौटता हूं आज से 60 साल 70 साल पहले, कि जहां पर कोई भी निर्णय लेना होता था तो एक समूह बैठता था और ये निर्णय लिया जाता था कि हमें अंग्रेजों को किस तरह से देश से बाहर निकालना है या फिर और समस्याओं के समाधान कैसे निकालने हैं। आजकल दुनिया पलट सी गई है। मेरे पास एक मैसेज आता है समस्या का, मैसेज पे अपने विचार डालता हूँ और करके आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ। मुझे उस मैसेज से, उस समस्या से कोई सरोकार नहीं है और उसका जो खामियाजा हमें ये भुगतना पड़ रहा है कि समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, उनके समाधान कम होते जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आपका इस बारे में क्या कहना है? सुनील जी, एक्चुअली आपका ये टॉपिक आज के समय बहुत रेलेवेंट मुझे लगता है, क्योंकि सोशल मीडिया इज ए पार्ट ऑफ लाइफ हो गया। अभी तो हर बच्चे हो या बड़े हो, विशेषकर आजकल जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ कोरोना के कारण, सोशल मीडिया के सहारे से पढ़ाई होती स्कूलों में और सोशल मीडिया के सहारे से कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने क्लासेस लेते हैं। ये तरह से देखें तो सोशल मीडिया हैज गॉट लॉट ऑफ गुडनेस। एट द सेम टाइम एज यू सेड, इट हैज रियली टेकन अस अवे फ्रॉम आवर नियर एंड डियर वंस। हमें प्रकृति से बाहर लेके गया, क्योंकि एवरीवन इज बिजी ऑन द मोबाइल। व्हेन एवर यू वॉक, यू थिंक ऑफ गोइंग फॉर जॉगिंग, एवरीवन इज यू नो देयर क्लिक्ड विद द ईयरफोन एंड एवरी टाइम दे आर बिजी चैटिंग और लिसनिंग ऑन द सोशल मीडिया। सो इनफैक्ट आई वुड से सोशल मीडिया दो इट हैज गॉट अ लॉट ऑफ गुडनेस, बट इट हैज टेकन द स्पाइस ऑफ लाइफ रिलेशनशिप्स। आई वुड से नाउ यू नो वी डू नॉट रियली मीट पीपल इन आवर ओन होम्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आई लाइक टू बी विद माई ओन सेलेक्टेड फ्रेंड्स व्हाट्सएप और ऑन द फेसबुक।
and chatting and sharing new things. And I become much more selfish than being generous with my own closest ones. At home, where do I spend time with them? Quality time is not there. Even if we all are sitting together, everyone is holding the mobile in his hand and chatting. Chatting is going on. Your mind is somewhere else. Physically, you are there. I am really concerned about this point that in the society, the families, people are losing interest in the nearest one, and we are searching our pleasures, our joys in the distant persons. I would agree with you on this point that social media is really taking away the life of people, the social life that we used to enjoy at home, spending time with our parents, spending time with our brothers and sisters, spending time with our elderly people, the grandfather, the grandparents, and the siblings, and the nephews and nieces that we have at home. We really have, neither do they have time, nor do I have time. We all are, you know, clicked with a certain our own limited friends. I would say it is actually, though it is doing a lot of good, but then it is taking the spice of life from everyone in the society. फादर ने बड़ी अच्छी सी जो बात कही कि कहीं ना कहीं हम लोग एक परिवार में रह भी रहे हैं, लेकिन फिर सभी अपने अपने चीजों में इतने व्यस्त हो रखे हैं। सोशल मीडिया कहीं ना कहीं शायद एक ऐसा कोई लुक्रेटिवनेस है, कोई आकर्षण है जो कि लोगों को बांध कर रखता है। तो मुझे लगता है कि इसी बात को लेकर मैं एक बार सीमा मैम की तरफ बढ़ना चाहूंगा। सीमा दिमा मैम, अभी जैसे फादर ने कहा कि जो सराउंडिंग में हमें सहूलियतें मिल रही हैं या फिर जैसे कनेक्टिविटी मिल रही है, हम लोग यहाँ पे ये नहीं कि सोशल मीडिया पे कोई दोष थोपने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग तो सिर्फ वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा नुकसान हो रहा है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि सोशल मीडिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या वो हमारी मजबूरी है या फिर हमारी एक आराम पसंदगी है कि हम लोग अपनी आराम की आदत डाल रहे हैं। ठीक है, जितना हमें कंफर्ट मिलता है उतना ही हम कर लें। अब ये धीरे धीरे कंफर्ट की जो आदत इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि हम लोग अपनों से भी कटने में मजबूरी या दुख या तकलीफ महसूस करते हैं, लगता है कि नहीं क्यों मिला जाए। बिल्कुल उसी तरह से बच्चे को सुबह जल्दी उठाया जाए तो उसे पता है कि उससे उसकी स्वास्थ्य में अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी वो नहीं उठने की कोशिश करता। वो सोचता है कि मैं 7 बजे उठूँ, अगले दिन 7:15, फिर 8:15 उठने की कोशिश करता है। तो कुछ इसी तरह क्या सोशल मीडिया से भी हो रहा है या फिर वाकई हमारे पास समय की इतनी ज्यादा कमी आ गई है या फिर काम हमारे पास इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हमारे पास उसका कोई दूसरा ऑल्टरनेट नजर ही नहीं आ रहा है। अच्छा, मैं इस बारे में तो बिल्कुल बताना चाहूंगी कि ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है। अगर हम आज के बिजी जीवन में भी समय निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, बट अब एक गैजेट के हर समय हाथ में होने से क्या हो गया है। आप देखिए यंगर जनरेशन, दे आर एक्चुअली लिविंग ऑन इन वर्चुअल मीडिया, दे आर लिविंग ऑन डोपामिन इफेक्ट। डोपामिन इफेक्ट क्या हुआ, आपको इंस्टेंट आपको ग्रेटिफिकेशन देता है, एकदम से आपको खुशी देता है। तो आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, अपनी एक पोस्ट सोशल प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करते हैं, कोई भी उनकी पोस्ट होती है एंड दे वांट 100 लाइक्स, और उनके अंदर एक बैटल चलता रहता है कि अगर इसको लाइक्स नहीं मिलेंगे तो शायद वो उनका अंदर ही अंदर डिप्रेशन। बट इट इज स्पॉइलिंग द फ्यूचर जनरेशन, दैट्स व्हाट आई फील। और दूसरी एक मैं बहुत ही जरूरी बात कहना चाहूंगी कि बच्चों का जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो स्मार्टफोन्स की वजह से कम होता जा रहा है। आप देखिए, यू आर नॉट सिटिंग विद ए पर्सन एंड चैटिंग इन पर्सन फेस टू फेस, तो आप उसके हाव भाव कैसे समझ पाएंगे, आप कैसे उसकी बॉडी लैंग्वेज समझ पाएंगे जब आप उसके साथ ही नहीं बैठे बात कर रहे हैं, हर समय सोशल मीडिया के थ्रू आप बातचीत कर रहे हैं। तो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है वो कम होता जाता है, और जब कम होता जाएगा, एंड देयर हैव बीन मेनी स्टडीज कि जब एक इंसान का इमोशनल इंटेलिजेंस कम होता है, इट अफेक्ट्स देयर करियर प्रोस्पेक्ट्स प्लस देयर प्रोफेशनल लाइव्स आल्सो, उसमें भी ये कमी करता है। तो आप देखिए, जो लोग, मैं चाहूंगी कि यंगर जनरेशन है वो आपस में बैठे, मिलके बात करें, आपस में इंपॉर्टेंट पे एक दूसरे के घर जाकर मैच करें। और आप देखिए, आजकल आप कहीं भी चले जाइए सोसाइटी में, टीनेजर्स जो है एक एक घंटा एक साथ बैठे रहते हैं बट बात नहीं करते हैं, पूरा टाइम अपना गैजेट ऐसे ऐसे स्क्रॉल करते रहेंगे, न्यूज फीड देखते रहते हैं।
आपस में वो एक भी सेंटेंस नहीं बोलते, तो डू यू थिंक इट इज यूजफुल? इनफैक्ट इट इज मेकिंग देम नॉट एट ऑल इंटरैक्टिव विद ईच अदर, और कैसे वो एक दूसरे के भाव भाव समझेंगे? हाउ विल यू रिकॉग्नाइज ही एंड योर बॉडी जेस्चर्स? तो उसकी वजह से आई फील कि इनको आगे जाके भी दिक्कत आएगी. और तीसरा पॉइंट, मैं ये भी सोचती हूँ कि फिजिकल इनएक्टिविटी है, फिजिकली दे आर नॉट वेरी एक्टिव. बच्चे जब मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं, एक तो आई पे स्ट्रेन है, उसके बाद फिजिकली इनएक्टिव ऑल्सो हो जाते हैं, तो उनकी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती है. तो इन द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से कि वी ओनली हैव टू डिसाइड हाउ मच वी शुड यूटिलाइज दिस मॉडर्न गैजेट्स. हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम इसको सही तरीके से यूज करें या गलत तरीके से यूज करें. और हमें मॉडरेशन में हर चीज, कोई भी चीज बुरी नहीं है. अगर आप मॉडरेशन में कोई भी इस्तेमाल चीज करते हैं, वो चीज बिल्कुल बुरी नहीं है. अब जैसे आप सोशल मीडिया के फायदे भी बहुत हैं, दूर बैठे आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उनसे आप टच में रहते हैं. बट यही चीज अगर आप लिमिट से बाहर कर जाए, 24/7 स्क्रीन से अटैच रहेंगे, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप सोशल हो गए हैं. इसका मतलब यही है आप लोग नहीं कनेक्टेड है, स्क्रीन टू स्क्रीन सा कनेक्टेड. आपका स्क्रीन कनेक्टेड है लोगों के साथ, आपको कनेक्टेड नहीं है. स्क्रीन सा कंज्यूमिंग यू बट दे आर नॉट मेकिंग यू सोशल इन लाइफ. तो ये जो 24/7 यूज करने का गैजेट यूज करने का जो बच्चों में चलन चल पड़ा है, मैं उसके बिल्कुल ही खिलाफ हूँ. और मैं चाहूंगी कि आप फेस टू फेस बैठ के बात करें और एक दूसरे को समझें. अब पहले हम लोग ट्रैवल करते थे, बाहर के सब ग्रीन फील्ड्स देखते थे, सब कुछ देखते थे, और आजकल क्या होता है, पूरा टाइम स्मार्टफोन में निकल जाता है, पूरा ट्रैवलिंग टाइम आपका, और कुछ पता नहीं रहता कि आपके पास क्या हो रहा है. और एक और बहुत बड़ी पॉइंट है, आप जब स्मार्टफोन के थ्रू बात करते हैं तो आपकी जो कॉन्वर्जेशन है वो फोकस्ड नहीं होती है, फोकस्ड बिल्कुल नहीं होती है, ना ही डीप होती है. बट अगर आप आपने सामने बैठ के बात करेंगे तो आपकी जो कॉन्वर्जेशन है वो बहुत डीप होती है, फोकस्ड होती है और बहुत ही मीनिंगफुल होती है. बट आप जब स्मार्टफोन्स के थ्रू बात कर रहे हैं तो ये सब कमी तो है ही इन चीजों में. तो मैं एंड में यही कहना चाहूंगी कि प्लीज यूज दिस गैजेट इन मॉडरेशन, दैट्स इट. यू फील इट्स नेसेसरी, यू मस्ट. चलिए सीमा मैम ने बड़ी अच्छी सी जो बात हमारे सामने लेके आई, उन पॉइंट्स को अगर मैं एक बार रिकॉल करने की कोशिश करें तो बहुत ही गंभीर मुद्दों को इन्होंने उठाया है. इन्होंने ये बताया कि मानसिक तौर पर तो हम लोग कहीं ना कहीं क्षीण हो ही रहे हैं, कमजोर हो ही रहे हैं. समस्या ये भी है कि शरीर भी हमारा साथ साथ में टूट रहा है और हम लोग इस दुर्बलता के कहीं इतने शिकार ना हो जाएंगे, कहीं इस समाज में या फिर इस यूनिवर्स की मैं बात करूँ, सृष्टि में रहने लायक भी ना बचे. एक जो सवाल जो जहन में आता है, हम इसके निदानों की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले एक जो सवाल मुझे आता है और वो मैं अरुणा मैम से लेना चाहूंगा. अरुणा सुरेश मैम, न्यूक्लियर फैमिलीज का भी आजकल बड़ा चलन है, मजबूरियां भी हैं कि अब वो ज्वाइंट फैमिली में उस तरह से नहीं रह सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कि अब विचारों का भी मतभेद हो जाता है. और कुछ अगर मैं भौतिकता की बात करूं तो वो भी अपनी जगह सही है. नैतिकता के लिए और सोशल मीडिया और जो हम लोग जितना सोशली डिस्टेंट होते जा रहे हैं, इनके अंदर न्यूक्लियर फैमिलीज का आपको कितना रोल नजर आता है? क्या लगता है कि अगर जॉइंट फैमिली वाला चलन हो तो हम इससे तो कुछ बच सकते हैं या फिर इसी तरह का ही रहेगा, ये कहीं कहीं का अडेप्टेशन हो गया हमारे लाइफ में? एक्चुअली सर, सोशल मीडिया जो है गिव अस पावर टू कम्युनिकेट विद एवरीबॉडी, वन थिंग. सेकंड, इट गिव्स अस पावर टू shrink the world into your pocket. That is one point I would like to say. But what is actually happening is we are not balancing our real life and the social media life. That is a major issue. Like the question of yours is whether nuclear family or joint family, the social media impact will be more in nuclear family. Reason being, they are separated from the family, and in joint family they can at least connect with their elders, maybe apna jo cousins hai sabse milke reh sakte hain. But what we are right now seeing is even in a restaurant a group of family is sitting and they are having dinner but they are not communicating with each other.
they are looking into their phones only and they are spending time over there. The purpose of going out for a dinner is to interact with each other and share their journey of the particular day or a month. But what is actually happening, again, they are busy with taking selfies and sharing it with the group. And one more point is they want validation from their peer group all the time. It's not only for the youngsters, but also for the even the adults are also involving in this. They are bothered about how many likes I have, how many followers I have, how many had shared my views over there. And as you said in the beginning, that WhatsApp messages which are shared, they don't even check the authenticity of the messages shared. They simply want that I have received it, I don't read it, but I would like to like others to read it. So without even reading, I'm interested in sharing it with others. Definitely, social media is helping us in our professional development, career development, and in making our connections of international families which are far away from us. They can be brought together so that, I mean, with video conferencing, all those things, and like promoting their products. So many positive things are there in the social media, but we are only bothered about our fake image on the social media. We see a picture perfect photograph on the media and we think her life is so beautiful, wonderful and awesome. But how much hard work she had put in to click that picture, we are not, knowing about it. So like on the whole, if you ask me, if we use the social media in a proper way, I would like to say it has made a great impact in my life. I have connected with people, those who are elite and of my own like-minded people. And I can share my knowledge as well as I can get their knowledge. And I'm using it for my growth. If we guide the youngsters to use social media in the right way, in the balanced way, in having proper limitation of time, I think this problem would be solved. So like this is what I want to say. At the same time, final is we don't require any validation from anybody for our own life. We should not be interested in what XYZ is eating, where XYZ is going. Like we always have a feeling of comparing our life with the others with this social media. Before, we were not bothered who is eating what, who is going where, and what are their travelogues. We don't bother, we don't know about it until and unless we connect with each other. But right now, we are more bothered. If somebody is going to Shimla for vacation, I will go to Manali for vacation and I will share my pictures. This is one competency where each one of us have this feeling, my reputation, digital reputation should be, more than the other person, and all should be envy me about what I am doing. That is of more this thing. So whether it is nuclear family or it is, joint family, this issue will be under control only once when we have our limitations set, how much time we are spending on the social media and what are all the social media networking sites we are using it. Are we using it for our betterment? Are we just killing our time, valuable time, constructive time, productive time in using just clicking and flipping? That's it. फादर मुझे लगता है कि अब अगला सवाल मैं आप ही की तरफ लेकर बढ़ूं। वो तो शायद शुरुआत भी आपकी ने उसकी की, अरुणा मैम ने बड़ी अच्छी सी बातें कह दी कि जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली की हम लोग बात करें, उससे कहीं जो बड़ी बात वो ये है कि हमें इस बात पे कंट्रोल करना पड़ेगा कि हम अपने आप को कॉम्पिटिशन में ना उतारें। जैसे मैडम अभी कह रही थी कि उसमें मैं अगर शिमला की फोटो डालनी है तो मनाली की डालू या फिर मैं उससे भी कहीं ऊपर जाऊं, यानी अपने आप को उससे बेहतर दिखा पाऊं। और आपने इस बात को बड़ी खूबसूरती से शुरू में कहा था कि आज जो एक होड़ सी हो गई है वो कहीं की लाइक्स की हो गई है कि उससे कितने लाइक्स मिले हैं
अगर उससे 10 हैं तो मेरे 15 होने चाहिए, उसके 15 हैं तो मेरे 25 होने चाहिए। तो एक होड़ कहीं ना कहीं हमारे बीच के अंदर आ गई है, और कहने का मतलब ईगो, अहंकार ही हम लोग कहेंगे कि हम लोग एक दूसरे से ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आप और हम अच्छे से जानते हैं कि ईगो का सीधा सरल सा मतलब ये है कि हम अपने आप से कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, हमें लगता है कि अगर हम उनसे पीछे छूट गए हैं तो हमारे साथ में समस्या हो गई है। तो इस डर को जिंदगी से कैसे मिटाया जाए, कैसे हम लोग दो लोगों को ये समझाएं कि जीवन में लोगों से कनेक्ट होना जरूरी है, सफलता के जो मायने हैं वो सही ढंग से कैसे समझाए जाएंगे, दूसरों को हराना नहीं है, हमें अपने आप को इंप्रूव करना है। जैसा भी अरुणा मैम ने बड़ी अच्छी सी बात कही थी, गैजेट्स का इस्तेमाल करना बेहतर है, लेकिन हमें उनका इस्तेमाल अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए करना चाहिए, ना कि अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। तो मैं उसी तरफ आना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि इस तरह की क्या परवरिश बच्चों को हमें देनी चाहिए जिसके जरिए उनको ये डिफरेंस समझ में आ सके। सुनील जी, इंसान ये समझना चाहिए कि आई एम ए सोशल एनिमल, आई कैन नॉट बी वर्चुअल ह्यूमन बीइंग, आई कैन नॉट बी जस्ट यू नो लिविंग ऑन व्हाट्सएप, लिविंग ऑन फेसबुक, आई नीड टू बी ए पर्सन हु लिव्स इन द मैं यही जानना चाह रहा था फादर आपसे कि हम लोग सोशल एनिमल हैं, तो यही बात हम लोग बच्चों के दिमाग में। हाँ फादर, नाउ व्हाट इज हैपनिंग समटाइम्स व्हेन यू हैव इवन यू नो फॉर फन पीपल से यू कैन डिस्कस मैरिज ऑन व्हाट्सएप, यू कैन डू मैरिज ऑन व्हाट्सएप रिमेनिंग टू कंट्रीज एंड फाइनली यू कैन सेलिब्रेट योर फर्स्ट नाइट ऑन व्हाट्सएप। This kind of virtual life, it makes you inhuman. You know, that is not the way God has made us. God has made us to be really living our lives happily, and not a virtual life, rather actual life. And when it comes to education of the students, children, as ma'am very correctly said, first of all, that prudence should be inducted into their mind that anything beyond the limit is harmful. Now, at the moment, the mainstream media, for example, has been patronized by some political parties, and we do not get the actual what is the now, like for example, the farmer agitation is going on in Delhi. We do not get many actual information what is happening there. But with this social media, WhatsApp, Facebook, a lot of photos, a lot of real news, what is actually happening on the ground is being shared. The same way there are so many things that is happening around us, social media does a lot of good to share those informations to us. But at the same time, I am living with people, my teachers, my students, my workers here. I mean, it's a family. And if anything happens to them, you know, social media is there to share our information, share the news. But the man ultimately longs for what? Love. Ultimately, your one's life becomes fulfilled only when you receive love. Love has to be in action, not in words alone. You say 100 times, I love you, I love you, but do nothing for the person's welfare. It is useless. So this action has to be done in the field, in practice. So that is what we have to instruct our students, whether in the class, whether at home. You know, virtual life has to be, it's not something to be idealized. Rather, the actual life is to be idealized, and that is where you speak good words, you show your concern to your elderly in the family, you show your concern to the deprived, you show love towards the younger ones that you have. No, it has been action, only then they remember. You send WhatsApp saying that I care for you, I think of you, who remembers? But you give a chocolate. You do some help in the family, you help your mama in cooking or washing the dishes, or speak some jokes, share some nice events what happened in the school. I would say that is what the parents will love, and the children will learn also. So the interpersonal relationship has to be a must in the life of every student. And you know, we need to promote not the virtual, we need to promote actual, so that they enjoy their life. There have to be the emotion called love in everything that they do,
and that has to be in practice rather than in words. In writing, in messages, that doesn't make, you know, you can forward hundreds of messages which it doesn't touch you at all. So I would say love has to be experienced, and that has to be done only in actual life. And whether it is young, old, or, you know, whoever you are, rich or poor, you know, love has to be experienced in love, in action. And that needs to be taught to the students, that you need to show love to the, especially those who are at home, those who are in your class, your teachers, your all those whom you deal with. The first emotion that you need to communicate and share with everyone is compassion and love. I hope only then we appreciate life and we will enjoy life. That's what I would like to say. अर्णव मैम, मुझे लगता है कि ये सवाल अगला जो सवाल आपकी तरफ बनता है, फादर ने भी बड़ी खूबसूरती से बात कही कि जीवन का आधार है, प्रकृति का आधार है, और जो समाज है अगर उसकी समृद्धि का आधार है वो प्रेम है, प्यार है। हम लोगों ने प्यार के 100 मैसेज तो भेज दिए हैं, ढेरों बार आई लव यू तो कह दिया है, लेकिन उसके अंदर वो जो भाव है, जो वो प्राण है, वो निकाल के हमने कहीं रख दिए हैं। एक जो जहन में मेरी एक बात आती है कि आजकल हम हर चीज के डेज बना रखे हैं, ये आज ये डे है, कल वो डे है, परसों वो डे, इवन चॉकलेट डे तक भी बना रखे हैं। तो मैं तो देख के एक दिन चॉकलेट डे है, रसगुल्ला डे वाली सी बातें हो रखी है। तो क्या हमें नहीं लगता कि हमें वीक में भी ऐसा कोई डे या फिर ऐसा आर बनाना चाहिए, कम से कम दिन में एक घंटा ऐसा हो तो फैमिली आर हो, है ना, कि सबके सब परिवार के लोग वहां पर मिलेंगे और सेलिब्रेट करेंगे। आपको क्या लगता है, इस तरह के कोई माहौल हमारे बीच में आना चाहिए जिससे कि समाज में, ठीक है सोशल मीडिया हमारे साथ जीने की मजबूरी मान लीजिए या फिर आवश्यकता मान लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम डेली एक ही चीज से दोबारा कनेक्ट होंगे तो हम एक दूसरे के प्यार को, पैशन को, कंपैशन को वो भी समझ पाएंगे। आपको क्या लगता है, ऐसे भी कोई शुरुआत की जानी चाहिए स्कूलों के अंदर या फिर घरों में, परिवारों में, क्या लगता है? डेफिनेटली यस सर, बिकॉज वी राइट नाउ वी डोंट कन्वर्स, वी टेक्स्ट, वी डोंट फील, but we send emoticons, and slowly the child, maybe in a decade a child may be knowing it rightly, which emoticons should I use when I am feeling this, but not in real life how should I react if this happens, their real emotion has been slashed completely. So like any friendship or anything to start with, it should take some time to develop, but right now you can have 1,000 or 2,000 friends in your community, that is Facebook community, but you don't have a real one friend to share your things with, because of which so many suicidal attempts and suicides are happening over all over the world. Reason is only this, only nobody is accepting me, second nobody is understanding me, and but every time they are busy with hi, hello, they are sharing their all like, you know, feelings through their, through this lifeless text messages. And in case, I would like to share my story. When I got married and came to Jaipur, that time, it is, I'm talking about some 22 years ago. So like that time, all my relatives were in South only. And in case if I have to get a letter, when they write it on Sunday, I will receive it on the next Monday. That means completely 90th day, I will be getting my letter from my mother. And the same day, if I repeat, 18th day, she is going to get, and the next one is going to come to me 27th day. But those letters had the feelings. When I read those letters, the feelings which I was having right now, I am not having even n number of hearts and balloons and flowers are shared. I am not having. Now I do get emotional when my closest friends on my birthday, if they just share a message and leave it in the WhatsApp, I do tell, do not come into this tradition. Because the way you call me and say hi, happy birthday, that emotion which I'm getting and the love which I get through that, I'm not getting through this text and emoticons. So I tell, like those WhatsApp, Facebook, Twitter, all those things are for unknown friends. Unknown friends, those whom you are not closer with, and these
दिस क्लोजेस्ट ग्रुप शुड हैव कम्युनिकेशन प्रॉपरली टू शेयर योर इमोशंस प्रॉपरली. सो दिस इज वॉट आई हैव बीन गाइडिंग माई चिल्ड्रेन ऑल्सो, लाइक टू योर क्लोजेस्ट ग्रैंड मदर, डू नॉट विश एनीथिंग थ्रू योर व्हाट्सएप. ग्रैंड मदर वुड लव टू हियर योर वॉइस एंड शी वॉन्ट टू से आई मीन लव एंड किसेस थ्रू फोन्स इफ शी इज फार ऑफ. So, like, we need to, it's our responsibility as a school leaders, we need to guide the children to live the real life, not a virtual life, which is finally going to slash off their lifetime, eating their time, and in turn giving nothing to the children. Because this text and emoticons does not give them the real emotions which we normally feel with proper communication. This is my take, sir. बहुत खूब अरुणा मैम, आपने जिस तरह से जो सारी बातें समझाई हैं उससे एक जो बात है जिसमें बिल्कुल हाईलाइट करना चाहूंगा कि जिंदगी अब और संक्षिप्त से और संक्षिप्त होती जा रही है. लगता था कि पहले अगर में कोई बात को कहने में 5 शब्द लगते हैं तो फिर 3 पे आए, 4 पे, अब लगता है 1, और अब लगता है कि 1 भी क्यों, 1 से भी छोटा हो जाए. तो कहने का मतलब जितना हम लोग शब्दों से दूर हो रहे हैं, जितना स्वरों से दूर हो रहे हैं, कहा जाता है स्वरों में प्राण होते हैं, तो हम लोग उन स्वरों से जितना दूर हो रहे हैं तो उतना ही हम प्राणों से भी दूर हो रहे हैं, उतना ही हम उस प्रेम से भी दूर हो रहे हैं. आपने बहुत ही अच्छी ढंग से इस चीज की व्याख्या की कि हम लोग पहले आप चिट्ठी लिखा करते थे तो उसका एक अलग भाव होता था, आज आपने लिखी है उसका प्रत्युत्तर आते आते 15 दिन 20 दिन बीत जाते थे तो उसके पीछे एक इमोशन कैरी ऑन होते थे, वो पीछे लगे रहते थे, आज पहुंची होगी, कल होगा, परसों होगा. लेकिन इधर से आज आपने टेक्स्ट टाइप किया और वो फटाक से हाय का भी कर दिया, और हम देखते हैं छोटी छोटी एनवी के मगर एनवाई लिख देते हैं, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार की छोटे छोटे शॉर्ट मैसेज आ जाते हैं, समझ नहीं इसका मीनिंग क्या होगा. तो सीमा मैम, अरुणा मैम ने जो बड़ी खूबसूरती बात उठाई है उसको लेके मैं आपकी तरफ बढ़ना चाहूंगा. आजकल हम लोग संक्षिप्तता का दौर चल रहा है, हम चाहते हैं चीज को शॉर्ट करें, समराइज करें, समय की हमें इतनी कमी महसूस हो रही है कि हमें लगता है कि हम हर चीजों को शॉर्ट करके मैक्सिमम कर लें. जैसे कि अगर मैं सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूं और चीजों की अगर मैं बात करूं तो हमारे को संक्षिप्त करने की कितनी, और सोशल मीडिया ने हमारी क्या अवतार बना दिया है उसके बारे में अगर आप देखें तो कि फेसबुक अगर आप कोई 3 सेकंड का वीडियो देख लेते हैं तो फेसबुक मान लेता है कि आपने उसे अच्छे से देख लिया, यानी उसे लगता है कि 3 सेकंड के अंदर सारी जिंदगी कही जा सकती है. और कहीं ना कहीं ये रफ्तार हमारी जिंदगी के अंदर भी शामिल होती जा रही है. आज हमें लगता है कि 5 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर वो चीज हमारे को अच्छी नहीं लगी तो हम स्किप कर देते. एक जमाना हुआ करता था दूरदर्शन का, और जब हम लोग देखा करते थे वो अच्छा है या बुरा है ना, वो समझने की बात तो वक्त लगता है हर चीज को. आज वक्त किसी के पास में रहा ही नहीं, तो इस वक्त की महिमा एक बार दोबारा से बच्चों में कैसे स्थापित की जाए जिससे कि उस प्यार को भी, प्रेम को भी, सद्भाव को भी समझ सके और महसूस करें इस कंपैशन को. क्या लगता है, क्या किया जाए? अच्छा, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल, आई वुड से वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन है टू टुडेज टाइम्स. आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, और एक स्कूल एक बहुत अच्छा मीडियम है जहां हम बच्चों को हम मॉरली इतना स्ट्रॉन्ग करें कि वो अपने आप को जज वो खुद करें. मैं यहाँ पर स्कूल में इस चीज में बच्चों में शुरू से एक ही बात कहती हूँ, बड़े हो या छोटे हो, बेटा मेरे बार बार कहने से कि ये गलत है तुम्हें समझ नहीं आएगा, तुम अपने आप परखो, अपना दिमाग इस्तेमाल करो, दिल से पूछो कि आपके लिए क्या सही है या क्या गलत है. ठीक है, आपको बहुत से लोग बहुत सी चीजें बताएंगे, बट जब तक आप मेंटली और मॉरली स्ट्रांग नहीं है, आप अपने डिसीजन पे अपना सही डिसीजन लाइफ में नहीं ले पाएंगे. तो मुझे तो यही लगता है कि हमें बच्चों को मॉरली बहुत स्ट्रांग करना चाहिए, और जहां पे वो अपने आप को खुद अपने डिसीजंस को जज कर सके कि वो क्या जीवन जो सही कर रहे हैं क्या सही है, क्या वो गलत दिशा में जा रहे हैं. तो आप देखिए फिर बच्चे अपने डिसीजंस खुद लेंगे, गैजेट हाथ में होगा और उसको उतना ही इस्तेमाल करेंगे जिससे कि उनकी ग्रोथ हो, ना कि वो पीछे की तरफ जाए. और जहां जहां उन्हें ग्रोथ की, ऑफकोर्स इट इज ए वेरी गुड मीडियम कि जहां आपको बहुत सी चीजें, आपको फायदा भी बहुत है, बट ये हमको बच्चों को स्कूल में सिखाना ही पड़ेगा. और मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है स्कूल में, खाली मैं जयपुर में नहीं हूँ, मैंने बहुत से ऑल ओवर इंडिया में जगह जगह पढ़ाया है, और मैं अभी तक नहीं भूली हूँ गांधीधाम का माउंट कामल स्कूल.
अभी तक नहीं भूली हूँ। मैं कह रही हूँ वहां बच्चों को आप इतना सा बोलो तो बच्चे रोना शुरू कर देते थे, आंखों में आंसू आ जाता था उनके, और उनको एक बार बोलने की होती थी देरी की, बेटा वॉक इन लाइन एंड दे वुड बी इन लाइन। मुझे कभी 10th क्लास में लेकर के 12th क्लास में किसी बच्चे को कभी डांटने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनके मॉरल वैल्यूज इतने स्ट्रांग थे। दिन में 4 बार वो लोग प्रेयर करते थे एंड आई कांट फॉरगेट दैट स्कूल। आई हैव टॉट इन अराउंड 15-16 स्कूल्स। आई एम फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड में, जगह जगह हर 2 साल में नई जगह पे जाती रही हूँ। ये पहली जगह है जयपुर जहां मैं 10 साल पूरे कर लिए हैं बिकॉज माई हस्बैंड इज रिटायर्ड नाउ। बट मैं बहुत से बच्चों को अलग अलग स्टेट के ऑब्जर्व किया है, और ये मैं तो बिल्कुल मानती हूँ कि अगर आप बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे तो बच्चे जरूर सीखते हैं। और मैंने ऑब्जर्व किया, इस बात पे मैं बार बार एम्फसाइज करती हूँ कि आप अच्छा बिहार जैसी जगह में, एक एग्जाम्पल और देना चाहूंगी, भागलपुर में रही हूँ जहां पर बच्चों की इंग्लिश इतनी कमजोर है। मेरे खुद के बच्चे डेली डीपीएस आर के पुरे में गए, दे वन दी क्विज कॉम्पिटिशन एट दी नेशनल लेवल, और जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने बताया कि सब हंस रहे थे उन पे, डीपीएस आर के पुरम के, कह रहे हैं कि ये बच्चे गांव से आए हैं, दे आर कमिंग ऑन काउज एंड बफेलोस फ्रॉम बिहार एंड दे वन, व्हेन दे वन एट दी फाइनल राउंड द सेम चिल्ड्रन केम एंड टीचर्स केम फॉर ऑटोग्राफ्स एंड टोल्ड देम कि दे आर आईएएस मटेरियल। तो आप, मैं तो शुरू से एक ही चीज मानती हूँ, कैसा भी बच्चा हो उसको चेंज करने की काबिलियत अगर एक टीचर अच्छा है उसको चेंज कर सकता है। एंड इन माय डिक्शनरी नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप बच्चों को जैसा देंगे वैसा ही आपको मिलेगा। और मैं इसलिए मैं बोलती हूँ कि स्कूल एक बहुत ही अच्छा मीडियम है। ये सब हमारे हाथों में, हम जैसे टीचर्स को सिखाएंगे आगे, टीचर्स जैसे बच्चों को सिखाएंगे, ये एक बहुत ही अच्छे हमें, आई थैंक गॉड दैट दे हैव गिवन अस अ चांस टू इम्प्रोवाइज दिस सोसाइटी। आज हम सोसाइटी में चेंज कर पा रहे हैं क्योंकि हम एक ऐसी पोजीशन पे बैठे हैं। तो मेरे साथ जो रिस्पेक्टेड लीडर्स बैठे हैं, आई थिंक वो भी इस चीज को डिनाई नहीं करेंगे कि ये हम लोगों के हाथ में है कि हम लोग जैसा चेंज करना चाहें बच्चों को कर सकते हैं। और सही और गलत का उन्हें हमें सिखाना ही पड़ेगा, बच्चों क्या सही है क्या गलत है, तो आगे जाकर कि वो अपने लिए अच्छा ही करेंगे ना जीवन में, अपने जो डिसीजंस लेंगे अच्छे ही लेंगे। थैंक यू। सवाल तो और भी है जहन में जो उठकर आते हैं कि हमें क्या क्या बातें हैं, जैसे अभी आपने खुद ने कई मुद्दे उठाए तो विचार तो बहुत है कि मैं उन सवालों के जवाब भी आप लोगों से पूछूं, लेकिन मुझे जो समय की सीमाएं हैं वो रोकती हैं और ये कहती हैं कि इस बार इस शो को आज के लिए विराम दिया जाए, क्योंकि कहने का मतलब समय की अगर हम मान नहीं रखेंगे तो समय हमारा मान नहीं रखेगा। तो आपने जो इस कार्यक्रम से जुड़े और अपने विचारों से, अपने एक्सपीरियंस से जो हमें समझाया और सुझाया कि हमें किस तरह से सोसाइटी के अंदर चेंज लेकर आना चाहिए, सोशल मीडिया से हम दूरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सोशल मीडिया के साथ संयम की बात कर रहे हैं, सद्भाव की बात कर रहे हैं, उस प्रेम की बात कर रहे हैं जो जीवन में खोने लगा है, हमें उसको प्यार को बचा के रखना है। और अपने जैसे फादर ने बड़ी अच्छी सी बात कही थी और अरुणा मैम ने भी उसके ऊपर बड़ा जिक्र डाला था, सीमा मैम ने बात जो कही थी कि कहीं ना कहीं हम लोग आदमी से आदमी ना मिलकर स्क्रीन से स्क्रीन मिलने वाली सी बात, सीमा मैम ने बड़ा अच्छा सा एग्जांपल दिया था कि स्क्रीन से स्क्रीन मिल रही है, तो स्क्रीन से स्क्रीन को मिला हटाकर हमें लोगों से लोगों को मिलाना पड़ेगा, तभी वो प्यार है, वो स्पर्श है, वो तभी समझ में आ सकता है। हम सभी चीजों के साथ बैठा कर संतुलन बनाकर आगे बढ़े तभी समाज समृद्धि कर पाएगा, आगे बढ़ पाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के इस महत्वपूर्ण विचारों से समाज को एक नई दिशा मिलेगी और कहीं ना कहीं वो इन चीजों को अपने जीवन में उतार कर एक सद्भाव की तरफ और एक समृद्ध समाज की तरफ जरूर बढ़ेंगे। मैं आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े और इस कार्यक्रम में अपने विचारों द्वारा इस कार्यक्रम को पल्लवित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।